समरकंद में ने दुनिया की दो महाशक्तियों की मुलाकात, पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच हुई बैठक। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया रूस आने का न्योता, रूस यूक्रेन युद्ध पर भी हुई बातचीत। रूस यूक्रेन युद्ध पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज का समय युद्ध का नहीं बातचीत का है, कहा भारत और रूस के संबंध लगातार हुए हैं मजबूत। प्रधानमंत्री मोदी और टर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान के बीच भी द्विपक्षीय वार्ता, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुआ मंथन। एससीओ समिट में चीन के सामने पाकिस्तान ने फिर सलापा कश्मीर का राग, लेकिन आतंकी मसूद अजहर के सवाल पर पाक पीएम ने साधी चुप्पी। एससीओ समिट में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के दिखे घड़ियाली आंसू, पाकिस्तान को बताया आतंकवाद का शिकार। पाकिस्तानी पीएम ने कहा, अफगानिस्तान को नहीं कर सकते नजरअंदाज, अफगानिस्तान की मदद के लिए मिलकर करना होगा काम। एससीओ समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की नहीं हुई बातचीत, लेकिन फोटो सेशन में पीएम मोदी के बगल में खड़े दिखे शी जिनपिंग। एससीओ समिट के अलावा कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय बातचीत, समरकंद समझौते पर भी हस्ताक्षर। समरकंद पहुंचने पर पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत, उनके सम्मान में कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन। समरकंद में एससीओ मीट में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत बढ़ाना चाहता है आपसी सहयोग। पीएम मोदी ने 70,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स का दिया हवाला, कहा भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश। समरकंद में कूटनीतिक दावों की तेज रफ्तार, चीन का भारत की अध्यक्षता को समर्थन, जिनपिंग ने नए वर्ल्ड ऑर्डर की हिमायत की। पीएम मोदी ने कहा, भारत में तकनीक पर है हमारा पूरा जोर, एससीओ मीट में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण। पीएम मोदी बोले, कोरोना के कारण सप्लाई चेन पर पड़ा है असर, मौजूदा दौर में खाद्य सुरक्षा को बताया बहुत बड़ी चुनौती। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान और व्यापारी दोस्त पर एसीबी की तपिश, 5 ठिकानों पर छापे, पिस्टल, 12 लाख रुपए कैश जब्त, वक्फ बोर्ड के मामले में 3 घंटे तक पूछताछ। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज दिल्ली में केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन से ईडी की पूछताछ, तिहाड़ जेल पहुंची ईडी की टीम। दिल्ली के आबकारी घोटाले में एक्शन में ईडी की टीम, देश में 40 जगहों पर छापे, सिर्फ हैदराबाद में 25 जगहों पर ईडी का छापा। दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर बीजेपी ने फिर से दिखाया स्टिंग ऑपरेशन, आरोपी नंबर 9 की तरफ से दी गई जानकारी का दिया बीजेपी ने हवाला। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का स्टिंग ऑपरेशन को चैलेंज, बोले सीबीआई जांच करे और 4 दिन के अंदर मुझे गिरफ्तार कर ले। लगीमपुर खीरी में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, आराधना मिश्रा की अगुवाई में डेलीगेशन ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद, वहीं प्रतिनिधिमंडल में शामिल आराधना मिश्रा और वीरेंद्र चौधरी ने भी 1-1 लाख रुपए दिए। कांग्रेस के नेता आराधना मिश्रा ने योगी सरकार से मांग की, पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मिले मुआवजा, 1 सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग। लगीमपुर में 2 सगी बहनों की हत्या के मामले में एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार जुनैद के परिवार को सता रहा है बुलडोजर का डर। योगी सरकार ने 1 महीने में दोषियों को सजा दिलाने का वादा किया, परिवार को 25 लाख रुपए की मदद के साथ मकान और खेती के लिए जमीन देने का भी निर्णय। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा, पतंजलि के विरुद्ध हो रही है नई साजिश, बाबा बोले पूरी दुनिया में पतंजलि के घी की बिक्री, लेकिन भारत में टेस्ट में घी हुआ फेल। स्वामी रामदेव बोले, कुछ लोग रुचि सोया के अधिग्रहण पर उठा रहे हैं सवाल, बोले मेरी तरक्की और विकास से परेशान हैं ये लोग। स्वामी रामदेव बोले, पतंजलि फूड्स के बाद पतंजलि आयुर्वेद, पतंजलि वेलनेस, पतंजलि मेडिसिन, पतंजलि लाइफस्टाइल के आईपीओ लाने का है हमारा प्लान। स्वामी रामदेव ने किया दावा, आने वाले 5 सालों में पतंजलि का 5 लाख करोड़ से ज्यादा का होगा टर्नओवर। स्वामी रामदेव ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार देने का दावा किया, कहा पतंजलि ने 5 लाख लोगों को दिया रोजगार। असम के बोंगाई गांव जिले में हेल्थ सोसाइटी ने हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया, छात्रों में जबरदस्त उत्साह।
बोंगाई गांव में जनजातिकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का फूंका पुतला। जम्मू कश्मीर में अब राजा हरि सिंह की जयंती पर सार्वजनिक छुट्टी, एलजी मनोज सिन्हा ने किया ऐलान। थाने में टोल पर जबरदस्त जाम में फंसे शिंदे गुट के विधायक, नाराज होकर टोल बंद कराने की मांग की। राजस्थान के सीकर में छात्र संगठन एसएफआई ने निकाला विजय जुलूस, छात्र संघ चुनाव में जीत का जश्न। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में शिवसेना के सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन, वेदांता फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र से गुजरात में शिफ्ट करने का विरोध। गुरुग्राम में जेजेपी के 200 से ज्यादा नेताओं ने थामा बीजेपी के दामन, डिप्टी सीएम के ओएसडी महेश चौहान भी बीजेपी में शामिल। यूपी के सुल्तानपुर में पुलिस पर एक दिव्यांग के साथ बदसलूकी का आरोप, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिलने आया था यह दिव्यांग। चंडीगढ़ में लोगों की पेंशन काटने के मुद्दे पर 50 बुजुर्गों ने किया प्रदर्शन, रिटायर्ड होने के बाद सरकारी रिकॉर्ड में जिंदा होते हुए भी इन्हें मरा हुआ दिखाया गया। चेन्नई में कंपनी में ईडी टीम ने कई घंटे तक खंगाले दस्तावेज, कंपनी में रोकी गई आवाजाही। हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने आम आदमी पार्टी को बताया तमाशा पार्टी, पंजाब में आपके विधायकों को खरीदने की कोशिश के आरोप पर पलटवार किया। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जिग्नेश मेवाणी की बढ़ गई मुसीबत, 2016 के सड़क रोको आंदोलन के मामले में अदालत ने 6 महीने जेल की सजा सुना दी। राजस्थान के दौसा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया दावा, 2.5 साल में 135 कॉलेज खुले लेकिन कहीं पर स्टाफ गायब, कहीं पर बिल्डिंग ही सही नहीं। हैदराबाद में एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बाइक रैली निकाली, एकीकरण दिवस मनाने का आह्वान किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा पीड़ित व्यापारी से मिलने पहुंचे, रंगदारी मांगने पर बदमाशों ने दी थी धमकी। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा संचालित एनजी मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर अब नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज कर दिया गया। कांग्रेस ने उठाया एनजी मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने का मुद्दा, नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज की दीवार पर सरदार वल्लभ भाई पटेल मेडिकल कॉलेज का लगाया बैनर। बीएसएफ स्थापना दिवस की परेड में शामिल महिला ऊंट सवार दस्ता होगा, बीकानेर के क्षेत्रीय हेडक्वार्टर्स में इन महिला प्रहरियों को ऊंट की सवारी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मदुरई में एआईएडीएमके ने किया प्रदर्शन, बिजली दरों में बढ़ोतरी का उठाया मुद्दा। राजस्थान के गोड्डा में युवक ने थाने में आग लगाकर आत्मदाह की कोशिश की, पार्षद के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही थी पुलिस। यूपी के उन्नाव में मकान की छत गिरने से परिवार के 3 लोगों की मौत। लगातार बारिश के कारण ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर कई जगह पर भूस्खलन, पहाड़ी का मलबा आने से बंद हुआ रास्ता, पर्यटक फंस गए। अमृतसर से गैंगस्टर मनप्रीत मनु को गिरफ्तार किया गया, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और सीआईए स्टाफ ने की गिरफ्तारी, मनप्रीत राणा कंडुवालिया मर्डर केस का मुख्य आरोपी। नाबीबिया से भारत लाए जा रहे हैं 8 चीते, नाबीबिया से सामने आई भारत लाए जाने वाले चीतों की तस्वीर, इन्हें मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा जाएगा। विमान में नाबीबिया से भारत का सफर ये चीते भूखे रहकर तय करेंगे, 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी इन चीतों को उद्यानों में बनाए गए विशेष बाड़ों में छोड़ेंगे। लखीमपुर खीरी में यात्रियों से भरी चलती बस पर पेड़ गिर गया, बाल बाल बचे यात्री, कई घंटे तक लगा रहा जाम। यूपी के रायबरेली में बारिश के बाद गिरा पुराना मकान, कई लोग दबे, 2.5 साल के बच्चे की मौत, 3 लोग घायल। उत्तराखंड के बागेश्वर में बारिश में बागोटिया प्राथमिक विद्यालय की छत से टपक रहा है पानी, छात्रों ने कहा हो सकता है बड़ा हादसा। यूपी के शाहजहांपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, नसबंदी कराने के बाद महिलाओं को फर्श पर ही लटा दिया।
कानपुर में पीएनबी की ब्रांच में भर गया पानी, भीग कर सड़ गए 42 लाख रुपए के नोट। मामले की जांच के लिए वाराणसी से पहुंची जोरल टीम, 4 लोग हो चुके हैं अभी तक सस्पेंड। कानपुर में छात्रा से छेड़छाड़ करने वाला बीजेपी का पार्षद का भतीजा नहीं लगा पुलिस के हाथ, आरोपी पिस्टल के साथ सोशल मीडिया पर दे रहा है चुनौती। अहमदाबाद में बस में लगी भीषण आग, बस में 20 से ज्यादा थे सवार, दमकल अधिकारियों ने समय रहते पाया आग पर काबू। दिल्ली के सरकारी स्कूल में टीचर ने गार्ड को धक्का मारकर बाहर किया, पूरी घटना का वीडियो वायरल। वाशिम में खड़े ट्रक से टकरा गई 2 कारें, 2 की मौत, 2 घायल। हमीरपुर में लड़की के साथ अवैधानिक का वीडियो वायरल करने वाले 7 आरोपियों के घरों पर चला बुलडोजर। जोधपुर में बजरी माफियाओं ने की सरिये और लाठियों से युवक की हत्या। बिहार के हाजीपुर गैंगरेप के सभी 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में पिता ने की नाबालिग बेटी की गोली मारकर हत्या, बेटी के हिंदू लड़के से प्रेम प्रसंग से नाराज था पिता। मिर्जापुर के स्कूल में स्कूल शिक्षक ने चंदन लगाने से किया इनकार, पुजारी की शिकायत पर हंगामा। झांसी में महिला की हत्या, जमीन बेचने से मना किया तो पति ने मौत के घाट उतार दिया, पति हुआ गिरफ्तार। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ाने के विरुद्ध छात्रों का प्रदर्शन, गुरुवार को निकाला मशाल जुलूस। कोची में सड़क पर गड्ढे के हादसे के बाद हंगामा, स्थानीय लोगों ने राज्य के पीडब्ल्यूडी मंत्री का पुतला फूंका। टोंक में सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया अधिकारियों के रवैये से नाराज, जमकर चेतावनी दी। कोल्लम में सब्जी वाले से मारपीट, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर भारत जोड़ो यात्रा के लिए फंड जुटाने के दौरान पिटाई का आरोप। उत्तराखंड पुलिस के हरिद्वार में मुहिम, शराब पकड़ने के लिए ड्रोन का सहारा। लखनऊ के जानकीपुरी में बारिश का कहर, लोगों के घरों में पानी ही पानी। कानपुर में बारिश से 1 मौत, पानी भरने से हादसा, बारिश में सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दे दिए गए। उन्नाव में भारी बारिश से 3 की मौत, बारिश में कमरा गिरने से हुआ हादसा। अंबाला में बढ़ गया डेंगू का कहर, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया बचाव के लिए अलर्ट। महाराष्ट्र के ठाणे में लगातार बारिश से देरी से चली ट्रेनें, शहर में पानी भरने से बढ़ गई लोगों की मुश्किल। गुजरात में केमिकल कंपनी में भीषण आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को घंटों करनी पड़ी मेहनत और मशक्कत। गोरखपुर में बारिश से लोग परेशान, जगह जगह भरा पानी, सड़कें हुई जलमग्न। लखीमपुर खीरी से बारिश से शहर में बाढ़, लोगों को घरों से निकलने में हो रही है परेशानी। महाराष्ट्र के पुणे में बारिश से मूला मुठा नदी का बढ़ गया जलस्तर, डैम से छोड़ा गया पानी। मुंबई से सटे भिवंडी में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भरा, बाजार रिहायशी इलाकों में पानी ही पानी। केरल के त्रिशूर में मिनी ट्रक से लोहे की सीट गिरने से 2 की मौत, ड्राइवर फरार, साथी गिरफ्तार। झारखंड के पलामू में दहेज के लालच में नवविवाहिता की पीट पीट कर हत्या, ससुराल वाले सभी फरार। महाराष्ट्र के नांदेड़ में डबल मर्डर से अड़कम, पैसे के विवाद के चलते दिन दहाड़े गला काटकर मार डाला। औरैया में शराबी ने महिला के साथ मारपीट की, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस। संभल में पुलिस ने आजाद हथियारों के साथ बदमाश को गिरफ्तार किया, वायरल फोटो देखकर आरोपी तक पहुंच गई पुलिस। राजस्थान के धौलपुर में रोडवेज बस में नशे में धुत देखा कंडक्टर, अधिकारी यात्रियों के बीमे की देने के लगे दलील। तेलंगाना के नलगोंडा में अचानक एलईडी स्क्रीन गिरने से कुछ बच्चे घायल हो गए। सीकर में बाइक चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी।
नाशिक में टोल बूथ पर महिला से मारपीट, टोल कर्मचारी और महिला की मारपीट का वीडियो वायरल। सूरत में लिफ्ट गिरने से दो मजदूरों की मौत, बिल्डिंग में चौथी मंजिल पर लिफ्ट खराब हो गई। पुणे में निरा नदी में बाढ़, बीर बांध से छोड़ा जा रहा है 34,000 क्यूसिक पानी, नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने की चेतावनी जारी कर दी गई। ग्रेटर नोएडा में गांजा तस्कर 210 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार, करीब 25 लाख रुपए के गांजे के साथ एक कार भी बरामद। दिल्ली के मोतिहारी में अस्पताल में मरीज की मौत के बाद जमकर तोड़फोड़, परिजनों के साथ अस्पताल स्टाफ भी हुआ घायल। मुरादाबाद की जीआरपी पुलिस ने रायबरेली से गायब हुई दो नाबालिग लड़कियों को सकुशल किया बरामद, आरोपी बहला फुसला कर ले जा रहा था दिल्ली। पंजाब के बठिंडा में डीएवी कॉलेज के बाहर चले तेजधार हथियार, गुंडागर्दी का वीडियो वायरल।